नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ साइन ग्रुप कंपनी। रियल एस्टेट के क्षेत्र में अपार सफलता के बाद गाजीपुर में पहली बार भव्य समारोह आयोजित किया है, जिसमें हमारे कंपनी के चेयरमैन परम आदरणीय मिस्टर आशीष नसीम सर भी उपस्थित होंगे, जो कंपनी के विभिन्न योजनाओं के बारे में प्रकाश डालेंगे। मैं गाजीपुर के तमाम नगरवासियों से, क्षेत्र से अपील करता हूं कि आप पीजी कॉलेज के खेल मैदान में 20 दिसंबर 2018 को उपस्थित होकर के कंपनी के विभिन्न योजनाओं के बारे में जानें और प्रगति के रास्ते ले जाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, समाज को प्रगति के रास्ते ले जाओ, बेटियों को बराबरी का दर्जा दीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं MMC न्यूज। आज समाज भले ही तरक्की कर लेने का दावा करता हो, लेकिन बेटियों की पढ़ाई को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर पुरानी मानसिकता भरी हुई है। साथ ही समाज में एक बहुत बड़ा कलंक जो नशा के रूप में लोगों के बीच विद्यमान है, वह लोगों को तरक्की से काफ़ी पीछे ले जाता है। इन्हीं सब को देखते हुए तियरा गाँव स्थित रामा पब्लिक स्कूल की छात्राओं ने एक रैली निकाला। इस रैली का मुख्य उद्देश्य बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के साथ ही नशा मुक्ति अभियान के तहत लोगों को नशा से दूर रहने के लिए नारे लगाए गए। इस रैली को विद्यालय के प्रबंधक राम दुलार सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखलाकर रवाना किया। यह रैली आसपास के गांवों से होते हुए पुनः विद्यालय पर आकर समाप्त हुआ। जैसा कि देखिए, समाज हमारा बहुत अंधकार की तरफ बढ़ता जा रहा है वर्तमान समय में, तो हमारे विद्यालय के बच्चों का रैली निकालने का मुख्य उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत, जैसा कि गांव में बच्चों को, गरीब तबके बच्चों को फीस के अभाव में जैसे लोग नहीं पढ़ाना चाहते हैं, इसके तहत बच्चियों को जो है कि चूल्हा चौका बर्तन ऐसा लोगों की सोच है, उसको जागरूक करने के लिए हमने हमारे स्कूल के बच्चों अध्यापकों ने इस रैली तैयार किया, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ ही साथ जो है नशा मुक्ति अभियान, नशा आज के डेट में एक अभिशाप बन चुका है जो कि समाज के प्रति एक बहुत बड़ा विषैला रूप धारण करता जा रहा है। इसलिए समाज को जागरूक करने के लिए, नशा छोड़ने के लिए, ताकि जब नशा छोड़ेगा तो परिवार में उन्नति होगी, परिवार में सामंजस्य होगा, इस उद्देश्य से हमारे स्कूल के बच्चों ने रैली निकाली।